हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। दोस्तों, एक ऐसी खबर है जो बिल्कुल खलबली मचाने वाली है, और यह आदेश आया है रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से। दोस्तों, इस जो है आदेश के तहत टाइम एंड मोशन स्टडी के तहत विद्यालयों के लिए नई समय सारणी जारी सत्र 2021-22 से। विद्यालय समय सारणी 8 बजे से 2 बजे तक, ग्रीष्मावकाश 20 मई से 15 जून तक, शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक, गर्मी की 2 हफ्ते की छुट्टी शीतकालीन अवकाश में बदली। आइए देखिए आदेश में क्या कहा गया है और कौन कौन सी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। दोस्तों, ये देखिए आदेश आपके सामने प्रस्तुत है। प्रेषक हैं रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, मुख्य विकास अधिकारी एवं उपाध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, प्राचार्य जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और लखनऊ, दिनांक 14 अगस्त 2020। यानी ये आदेश आया है, 14 अगस्त का आदेश है। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से है। विषय है टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष के शिक्षण कार्यों एवं बच्चों के साथ सीखने सिखाने में अधिक समय व्यतीत किया जाए। विद्यालयों में वर्तमान में प्रचलित कार्यों के संबंध में परियोजना स्तर पर किए गए टाइम एंड मोशन स्टडी में प्राप्त विश्लेषण के आधार पर बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टिगत निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है। विद्यालय अवधि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए विद्यालय संचालन एवं पढ़ाई के घंटे निम्नवत निर्धारित किए जाते हैं। शैक्षणिक समय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक, प्रार्थना सभा व योगाभ्यास प्रातः 8 बजे से 8:15 तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, प्रार्थना सभा या योगाभ्यास प्रातः 9 बजे से 9:15 तक। विद्यालय प्रारंभ होने पर उक्तानुसार प्रार्थना सभा के पश्चात का समय योगाभ्यास के लिए निर्धारित किया जाता है। शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व एवं शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। तत्क्रम में विद्यालय संचालन हेतु साप्ताहिक एवं वार्षिक पांचांग आदि विवरण संलग्न है। समय सारणी, विद्यालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। प्रत्येक कालांश में शिक्षकों द्वारा अपने विषय से जुड़ाव के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाए एवं पिछले दिनों पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति रिकैप कराया जाए। तदुपरांत प्रभावी कक्षा शिक्षण गतिविधियों का संचालन एवं कालांश के अंत में पढ़ाए सिखाए गए पाठ्य बिंदु का समेकन किया जाए। शिक्षण दिवस, शैक्षिक सत्र में न्यूनतम 240 शिक्षण दिवस का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। फिर बात आती है सार्वजनिक अवकाश की। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों के सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कार्यालय द्वारा जारी अवकाश तालिका से भिन्न स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी द्वारा कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मंडलीय जनपदीय रैलियों, समारोह, विशेष कार्यक्रम के कारण कार्यक्रम स्थल संबंधित विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के समय में परिवर्तन अथवा बंद किया जाना प्रतिबंधित होगा। मंडलीय जनपदीय रैलियों के संबंध में शासन एवं निदेशालय स्तर से निर्गत निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 से ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश निम्नवत निर्धारित किया जाता है। शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक, ग्रीष्मावकाश दिनांक 20 मई से 15 जून तक, ग्रीष्मावकाश के पश्चात सत्र आरंभ दिनांक 16 जून से। देखिए यह आदेश है भौदिया रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव की तरफ से।
तो अब आप समझ गए होंगे कि विद्यालय के समय में जो है परिवर्तन हो गया है, समय सारिणी जो है चेंज हो गई है और सत्र 2021-22 के लिए इसी नई समय सारिणी का प्रयोग किया जाना है। तो आशा करता हूँ मित्रों कि मेरा यह समाचार आपको पसंद आया होगा। यदि समाचार पसंद है, वीडियो पसंद है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।